हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका जो है अपना 7th एपिसोड में। इस एपिसोड स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे चैनल चालू करे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और जो मेरा 1K का टारगेट है अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आपके एपिसोड को। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो रे होता है वो अकेडमी में पहुँच जाता है वो और लड़की के ड्रेस पहना होता है और जो उसी लड़की की हेल्प कर रहा होता है जो हम पहले दिखाई थी, और तभी तो एकदम सेवन दिन से घूर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि जो रे है वो जो इस लड़की को अपना नाम बताता है लिली वाइट, और उसके बाद लड़की बोलती है मैं हूँ टियाना ऑर्गेट, और तभी सुनता है और कहता है ऑर्गेट ऑफिस का। देखते हैं सीन चेंज हो जाता है, ये लोग फिर से आगे जा रहे होते हैं और तभी इस लड़की को अपनी बहन दिख जाती है, और फिर उसके बाद हमें इसकी बहन को दिखाया जाता और है। फिर हमें पता चलता है कि जो असल में होती है अरियाना और गेट होती है इसकी बहन। उसके बाद ये लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे बात कर रहे होते और हैं, उसके बाद जो रे है अपना नाम बताता है लिली वाइट, और उसके बाद लड़की बोलती है अरियाना और गेट है। उसके बाद लड़की बोलती है कि हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं, मुझे पता है तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो। लिली कहती है हाँ तुमने सही कहा, तुमने तो बहुत जल्दी पहचान लिया। तभी तो बोलती है जो इंटेलिजेंस और करेज मेरी खूबी है, तब तो बताओ कि तुम कौन से एकेडमी की स्टूडेंट हो। तभी जो रे है अपनी वॉइस वाली आवाज़ में कहता है कि मुझे माफ़ करना झूठ बोलने के लिए। सुन के जो रियाना होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसके बाद रे जो होता है अपने आप को इंस्टीट्यूट करता है, वो बोलता है कि मेरा नाम है वाइट रे, और उसके बाद ये कहती है तुम एक लड़के हो पर तुमने अपनी वॉइस कैसे चेंज किया। तभी रे बोलता है कि मैंने जो है इनसाइड कोड और वाई सोसरी का यूज़ किया अपने वॉइस को चेंज करने के लिए, और उसके बाद फिर ये बोलती है हाँ मैं तुम्हारे पास सुना हुआ है तुम जो हो बहुत ज़्यादा अच्छा लड़ते हो, ऐसी अफवाह सुनी हुई है मैंने। उसके बाद ये बोलता है ये अफवाह यहाँ तक पहुँच गई, सॉरी सब चीज़ों के लिए। उसके बाद ये कहती है लड़की कि तुमने जो मेरी सिस्टर की हेल्प करी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके बाद हम देखते हैं ये कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ जो है डुअल करो, और उसके बाद हम देखते हैं ये लोग जो होते हैं डुअल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी तभी हरियाणा कहती है कि तुम जो मुझे हरियाणा कह सकते हो, और उसके बाद ये कहता है लिली इसके लिए बहुत जल्दी नहीं है। फिर ये बोलती है नहीं तुम जो हो बहुत स्पेशल पर्सन हो जैसे तुम मेरा नाम ले सकते हो, और उसके बाद ये कहती है कि तुम जो हो प्लीज़ अपनी लड़की वाली वॉइस में ही बोलो। उसके बाद रे कहता है कि प्लीज़ ज़्यादा सख्ती मत बरसना, हरियाणा कहती है तुम भी मत बरसना लिली को, और उसके बाद इनकी जो फाइट होती है शुरू हो जाती है। जो हरियाणा होती है वो लिली के ऊपर हमला कर देती है, पर जो लिली होती है वो जल्दी से इसको हमले को रोक लेती है, और उसके बाद हम देखते हैं जो हरियाणा होती है वो नीचे बैठ जाती है और उसमें से एकदम से लाइट निकलती है जिससे जो लिली की तलवार टूट जाती है, और फिर ये जीत जाती है हरियाणा। और उसके बाद रे कहता है हरियाणा से कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो बोलती थैंक यू। उसके बाद देखते हैं जो उसकी बहन होती है वो जा रही होती है, और उसके बाद रे रे बोलता है हरियाणा से कि जो तुम्हारी सिस्टर है वो काफ़ी सुंदर है, और फ्यूचर में हो सकता है तुम्हारी तरह और सुंदर बन जाए और तुम्हारी तरह क्यूट बन जाए। उसके बाद ये बोलती है ये सब बोलना बंद करो, और उसके बाद हरियाणा कहती है क्या तुम सबसे ऐसी बात करते हो, तो अभी ये बोलता है हाँ हमें सिखाया गया है कि हम जब भी किसी लड़की से मिले तो उसकी तारीफ करें। उसके बाद हरियाणा कहती है तुम काफ़ी अजीब पर्सन उसके हो। बाद हरियाणा पूछती है रे से क्या तुम जो मैजिक कॉम्पिटिशन में फास्ट लोगे, तो ये बोलता है नहीं मैं कुछ रीज़न की वजह से वहाँ पर सिर्फ कमेटी मेंबर बनूंगा, और उसके बाद ये कहता है और मुझे जो है रोज़ को ट्रेनिंग दे रही है। तभी अरेन बोलते अच्छा तो तुम रोज़ की वजह से यहाँ पे आए हो, तो बोलता है हाँ, तो ये खुश होती है कि चलो अच्छा है ऐसे दोस्त भी उसको मिले हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त मिले हैं इसको। उसके बाद ये बोलता है कि जो रोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम लड़की की, तो बोलती है ठीक है देखते हैं। उसके बाद ये बाहर आ जाता है, ये चल रहा होता है, तभी ये देखता है कि वहाँ पे एक लड़की आ जाती और वो है नीचे गिरने वाली होती है, तभी जो रे है जाके उसे पकड़ लेता है, और उसके बाद ये कहता है क्या तुम ठीक तो हो ना, और जो लड़की होती है इसको देखती है और फिर उसके बाद एकदम से उठ के कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, फिर रे कहता है चलो ठीक है, उसके बाद वो जाने लगता है। तभी जो लड़की होती है उसके हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पे जो रे होता है वो अपना नाम लिंडा बताता है, और उसके बाद ये लड़की जो है अपना नाम बताती है, ये कहती है मेरा नाम है मारिया ब्रैडली। उसके बाद ये ब्रैडली सुन के कहता है तुम क्या रिबेका की बहन हो, तो ये बोलती है हाँ आप मेरी सिस्टर को जानते हो। उसके बाद ये कहता है कि हाँ मैं उसके ही कॉलेज में पढ़ता हूँ और वो मेरी सीनियर है। तभी लड़की बोलती है पहले तो मैं उस कॉलेज में नहीं आना चाहती थी पर अब जो तुम पढ़ती हो तो मैं उस कॉलेज में आऊँगी, प्लीज़ मेरा वेट करना नेक्स्ट ईयर, और ये कह के वो लड़की फिर वहाँ से चली जाती फिर है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं रोज को जो काफी थक चुकी होती है, तभी जो एलिसा और क्लेरिस है उसके लिए पानी निकालती है, फिर इनको थैंक यू बोलती है, तभी वहाँ पर रे आता है और कहता है तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है ना, तभी वो बोलती है हाँ
हमारी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। और उसके बाद तयो देखती है कि यहाँ पे जो रे तो है ही नहीं, और उसके बाद रे बोलता है सॉरी पर मैं असल में रे ही हूँ, मैं एक मिशन करके आया हूँ। उसके बाद ये देख के काफ़ी शौक हो जाती हैं ये तीन लड़कियाँ। उसके बाद हम देखते हैं जो रे होता है अपने दोस्तों को लेकर अपने मास्टर के घर जा रहा होता है, और सभी लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसके मास्टर घर पहुँच जाते हैं, और उसके मास्टर बोलती है लगता है अरे तुम बड़े हो गए। तभी रे बोलता है आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ, ये बोलती है फिर ठीक है। उसके हम देखते हैं रे जो होता है अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो एवी होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है ना मेरा नाम एवी है। उसके बाद उसको देख के कहती है कि तुम्हारे मसल्स काफ़ी अच्छे हैं, तुम लोग जो फ्यूचर में काफ़ी अच्छे मसल बना लोगे। उसके बाद जो एलिसा होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, उसको देख के कहती है तुम्हारे तो काफ़ी बड़े हैं, और उसके होती क्या कहना चाह रही हैं। और उसके हम देखते हैं कि वो जो होती है एक बुक लेती है और कहती है प्लीज़ इस फोटोग्राफ दीजिए मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उसके हम देखते हैं उसके मास्टर जो होती है वहाँ पे उसको फोटोग्राफ दे देती है, जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जो क्लाइस होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, और इसके बाद वो जो मास्टर होती है वो कहती है मैं सुना तुम एक हंटर बनना चाहती हो, और तभी जो ये बोलती है कि आपको कैसे पता चला। फिर उसके बाद रे की मास्टर बोलती है कि मैं तुम्हारे फैमिली के हेड को जानती हूँ, उसने आके यहाँ पे मुझसे डिस्कस किया था। उसके बाद ये अपना एक कार्ड दिखाती है, उसके बाद ये कहती है कि मैं भी एक हंटर हूँ। और उसके बाद ये देखती है जो क्लैरिस होती है वो काफ़ी शौक हो जाती है। और उसके बाद फिर रे की मास्टर बोलती है कि मैं इस कार्ड का यूज़ अभी नहीं कर सकती इस कंडीशन में, तो बिल्कुल नहीं, तो ये मैंने कार्ड तुम्हें इसलिए दिखाया था कि तुम बस ले तुम्हें एक नोवा लो और तुम जो हो जस्ट अपना फर्स्ट स्टेप ले रही हो। उसके बाद जो रोज़ होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, और साथ ही वो कहती है हमें काफ़ी टाइम हो गया ना मिले हुए। और उसके बाद ये जो इसकी रे की मास्टर होती है वो कहती है हाँ हम जो हाल ही में इसी पार्टी में मिले थे। उसके बाद ये कहती है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। उसके बाद जो वहाँ उसकी मेड होती रहेगी वो कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर हम देखते हैं वो लोग किचन में आते हैं, और उसके बाद जो उसकी मेड होती है वो कहती है तुमने ये सुना है जो एम्पायर द ग्रीन रिवर है वो अपने मूड पे है। फिर रे कहता है आखिर वो लोग करना क्या चाहते हैं, तो इसकी जो मेड होती है वो कहती है मुझे नहीं पता। और उसके बाद इसकी मेड कहती है मुझे बस की टाइमिंग की चिंता है। तभी बोलता है क्या वो मैजिक सिमिलर कुछ कर सकते हैं, तो इसकी मेड बोलती है हाँ ऐसा कुछ हो सकता है तुम अपना ध्यान रखना। उसके हम देखते हैं जो रोज़ होती है और उसकी जो मास्टर होती है रे की वो अकेले बात कर रहे होते हैं। वो पूछती है रोज़ से क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कि जब भी मैं देखती हूँ रे जब भी कोई मुझे लेटर सेंड करता है वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बात करता है, उसे लगता है कि तुम उससे कुछ छुपा रही हो। रे सोचता है कि उसे तुम्हें पूछना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि तुम कहीं बुरा ना मान जाओ। उसके बाद ये कहती तुम्हें उसके फास्ट के बारे में पता है ना, वो जो है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सोचर में से एक है। और यही कहती है कि मुझे जितना आता था मैंने उसको सिखाया पर एक चीज़ से मैंने नहीं सिखाई, वो होता है ह्यूमन का हार्ट। तभी जो रोज़ होती है वो बोलते हैं ह्यूमन का हार्ट, तो हाँ हम जब है हम लोग सिर्फ लड़ाई में रहते हैं, और उस जब मुझे रे मिला था उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारे अकेडमी में उसको भेजा ताकि वो जो कुछ इमोशन सीख सके। फिर मैं देखती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में चिंता करता है, तो मुझे लगता है कि वो जो है इमोशन सीख चुका है, काफ़ी चेंज हो चुका है। और उसके बाद ये कहती है कि तुम्हें जो है अपने फ्रेंड के साथ इसको डिस्कस करना चाहिए, अगर तुम छुपाना चाहती हो तो तुम छुपा सकती हो, पर तुम्हें जो अपने फ्रेंड के साथ इसकी बातचीत करनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि ये लोग बाहर आ जाते हैं, और फिर इसकी मास्टर बोलती है चलो सारे स्विमिंग सूट निकाल लो सब रेडी हो जाओ स्विमिंग करेंगे। फिर सब खुश हो जाते हैं। उसके हम देखते हैं रे और जो उसका दोस्त होता है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, अब तभी दिखाया जाता है कि उनके मुंह पे दो चाटे लगे होते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि वहाँ पे एबी और कैलोन भी होंगी। उसके हम देखते हैं फिर अगली सुबह जो मास्टर वाइड होता है वो रोज़ की ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो कहता है जितना मुझे मास्टर सिखाया है मैं उतना इसको सिखा दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर वाइड होते हैं वो कहते हैं फाइनली वो दिन आ गया, तुम्हारा जो है आज इस का एग्ज़ाम का दिन है, अगर तुम पास करती हो इस एग्ज़ाम को तो तुम्हें जो मैं प्राइस के तौर पे ये बैच दूंगा, तुम्हें जो है मेरे इस जो सीने पे लगा है ये फूल तुम्हें ये तोड़ना होगा। उसके बाद ये कहता है मुझे तुम्हारी एबिलिटी पूरा भरोसा है। तभी जो रोज़ होती है काफ़ी जोश में आती है और इसके ऊपर हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा सीन चेंज होता है, सेमिनार जो शुरू हो चुका होता है, और तभी हम देखते हैं जो अरीना होती हैं वो सभी स्टूडेंट से कहती हैं सभी लोग मेहनत करेंगे इस कंपटीशन को जीतने के लिए। उसके बाद कहती है कि ये एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए ठीक है, तुम्हें जो ज़्यादा ग्रो हो जाओगे इसके बाद और तुम लोग जो है अपनी गलतियों को भी सीख लोगे। उसके हम देखते हैं
जो एवी होती है वो कंपटीशन को शुरू कर देती है, जिसके बाद सारी ऑडियंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और उसके हम देखते हैं जो रोज़ होती है हरियाणा से मिलती है, उसके हरियाणा कहती है काफ़ी समय हो गया ऐसे बात करते हुए, जिस पर रोज़ कहती है हाँ हो तो गया है। और उसके बाद हरियाणा बोलती है मुझे लगा ही था तुम चेंज हो गई है। उसके बाद कहती है कि मैं तुम्हारा फाइनल्स में वेट करूँगी। और उसके बाद ये लोग हाथ मिला लेते हैं। और उसके हम देखते इस हैं जो मैच की कमेंटेटर होने वाली है सैरा और जो, और उनके साथ होती है हमारी प्यारी कैरोल मैम जो उस मैच को एनालाइज करेंगी। उसके हम देखते कि हैं जो मैच होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है, और जो पहला मैच होता है रोज का, और जिसका ओपनर होता है सेंगिरा। उसके बाद जो उसका ग्रुप होता है उसको चेयर कर होता है, वहीं पे जो रे होता है वो कहता है कि तुम अपना बेस्ट देना। और उसके हम देखते जो हैं एवी होती है वो कहती है मैं इस मैच की जज रहने वाली हूँ, और साथ ही तुम जब भी हारोगे जब तुम अपने अपोनेंट को नॉकआउट करोगे या फिर जो ये रोज़ है इसको तोड़ दोगे या फिर मैच तब भी रुक सकता है जब मैं कहूँगी। तो उसके बाद देखते हैं मैच स्टार्ट हो जाता है, जो रोज़ का अपोनेंट उस पर हमला करता है, तभी रोज़ उसको डॉच कर देती है और उसके पीछे आती है, और तभी हम देखते हैं उसका पैर उसके बिछाए हुए जाल पर पड़ जाता है, जिसके बाद उसका जो फ्लावर टूट जाता है। और उसके बाद देखते हैं जो रोज़ होती है जीत जाती है। उसके बाद ये लोग कह रहे होते हैं वाह कितना अच्छा था, इसने सिर्फ 1.5 सेकेंड में उसको हरा दिया। उसके बाद जो कैरल कह रही होती हैं बिल्कुल परफेक्ट था, पर काफ़ी मुश्किल भी था कि मैच को स्टार्ट होने से पहले वहाँ पे ट्रैप बिछाना। उसके बाद और कहती है काफ़ी अच्छा था। उसके हम देखते हैं इसके दोस्त कह रहे होते हैं मुझे लगा ही था कि रोज़ जो है चैंपियन बनेगी। तभी हम देखते हैं जो रे है वहाँ से जाने लगता है, तभी जो उसका दोस्त होता है वो पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, फिर वो बोलता है मैं कमेटी मेम्बर हूँ मुझे अपने जॉब को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं वो आ जाता है एल्बर्ट के पास, और फिर वो जो एल्बर्ट होता है वो अपना रोज़ लेकर जाने लगता है। तभी जो रे कहता है मैं दुआ करूँगा कि तुम जीतो, तभी एल्बर्ट बोलता है हाँ मैं ज़रूर जीतूँगा। और तभी जब देखते हैं कि जो एल्बर्ट की अपोनेंट होती है हरियाणा, उसके बाद देखते हैं कि मैच चल जाता है, ये जो है एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारी कंपेटिटर होती है वो कहती है दोनों अपनी फुल पावर से अटैक कर रहते हैं, तभी जो हरियाणा होती है वो एलर्ट को दूर फेंक देती है अपनी फुल पावर से, जिसको देख के ये लोग कहते हैं लगता है एलर्ट फिर हार जाएगा। और उसके बाद एलर्ट सोच रहा होता है कि अगर मैं पुराना वाला एलर्ट होता तो मैं यहाँ पे गिव कर देता, पर तभी उसको जो है रे की बात याद आती है, और उसके बाद वो पूरा जोश में आ जाता है और वो भी दोबारा से हमला कर देता है। और तभी हम देखते हैं वो एलर्ट होता है वो जो हरियाणा के तलवार होते हैं उसको फिर दूर फेंक देता फिर है। जो हरियाणा होती है वो पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है, अपने फुल पावर का यूज़ करती है और उसकी तलवार को हाथ से पकड़ लेती है, और फिर उसके बाद उसके तलवार को तोड़ देती है, और फिर उसको एक दोस्त गुस्सा मार देती है जिससे जो एलर्ट होता है काफ़ी दूर जाके गिर जाता है। उसके बाद जो हरियाणा होती है वो जीत जाती है। और तभी हम देखते हैं जो एलर्ट सोच रहा होता है कि आसमान कितना अच्छा लग रहा है आज, और तभी हम देखते हैं ये लोग सोच रहे होते हैं इसके दोस्त कि मतलब आखिरी फाइट में रोज़ और हरियाणा लड़ेंगी। और उसके बाद हम देखते हैं जो रे है कहीं पर जा रहा होता है, पर उसके पीछे एक बंदा उसका पीछा कर रहा होता है। और उसके हम देखते हैं जो अपनी मैडम होती है वो कह रही होती है कि अब मैं गाना गाऊंगी, और उसके वो गाना गाने लग तो जाती गाइस है। अपनी जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो मेरा 1K का टारगेट जल्दी पूरा हो जाए और मैं जो आपको और भी अच्छी क्वालिटी में वीडियो दे पाऊँ। तो गाइस ख़त्म करते हैं एपिसोड को, मिलते हैं आपको अगले बैठे जब तक ले बाय बाय।